भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे का सघन जनसंपर्क शुरू हो चुका है। भिलाई नगर के सभी वार्डों में प्रेम प्रकाश को लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट मिलने के उपरांत पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा भिलाई नगर के समूचे वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सभी वार्डों में प्रेम प्रकाश पांडे का भव्य स्वागत वार्ड वासियों द्वारा किया जा रहा है। प्रेम प्रकाश पांडे के साथ जनसंपर्क में महिलाओं और पुरुषों का बड़ा समूह भी साथ चल रहा है। अपने जनसंपर्क के दौरान विधायक प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री और भिलाई नगर भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे हुडको पहुंचे। हुडको में प्रेम प्रकाश पांडे का गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच एक बड़े जनसमूह द्वारा स्वागत किया गया। यहां प्रेम प्रकाश पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जनसंपर्क अभियान की जानकारी विधायक प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने दी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 2 साल में काम किया है, गरीब कल्याण का जो काम किया है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे गरीबों को कोविड में पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन किया है, यहाँ से लेके देश का मान सम्मान बढ़ाने चंद्रयान तक और देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वें स्थान पे पहुंचाने से लेकर के राम मंदिर, धारा 370, आपके 3 तलाक से लेकर महिलाओं के आरक्षण तक, वार मेमोरियल से लेकर के जो एक्स सर्विस मैन है उनके पेंशन वन रैंक वन पेंशन के स्कीम तक, तो सारा जो उन्होंने काम किया, एक उनका आधार लेके, दूसरा पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 1 रुपया में गरीबों को चावल दिया। भाजपा की सरकार में किसानों को 0% इंटरेस्ट पे हमने लोन दिया, लगभग किसानों के 4.5 लाख पंप एनर्जाइज किए, मजदूरों की उनकी उचित मजदूरी मिले इसके लिए व्यवस्था की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उनको जोड़ा गया, छात्रों को पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनेशन फीस में 50% की छूट हम लोगों ने दिया, पूरे यूनिवर्सिटी चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो, हेमचंद दुर्ग विश्वविद्यालय हो, लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, ये जहाँ तक लाया गया वहीं 100 रुपये में लकड़ी हिंदुओं को और 100 रुपये में मुसलमानों को पटरा और 100 रुपये में ही ईसाइयों को अंतिम संस्कार के लिए कफन बॉक्स देने की व्यवस्था करने के साथ नगर निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण, प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, आपके सारे गार्डन्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सब निर्माण के साथ साथ पूरे 5 साल में जो कांग्रेस ने इस भिलाई की दशा और दिशा दोनों बदल दी है, दशा इतनी ख़राब कर दी है कि आज जितने ओपन प्लेसेस हैं वो सारे नशे के अड्डे बन चुके हैं। कोई शरीफ आदमी उसे टोकता नहीं है, जो टोकता है उसके साथ अभद्रता से लेकर के मारपीट और कई बार तो उसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करके अंदर भी कराया जाता है। नशा शराब तो शराब, अब ब्राउन शुगर का नशा जो है वो नौजवानों के बीच हो रहा है। पांडे जी, आप 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, चाहे मामला अंडरब्रिज का हो जो कि उस समय की महती आवश्यकता थी, चाहे वो IIT का मामला हो, चाहे वो तालाबों का सौंदर्यीकरण का हो, आपने हर क्षेत्र में काम किया। ऐसे कौन से काम ऐसा बाकी रह गए जिनकी जो अभी विधायक के क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक है? देखिए, अलग अलग जगह के अलग अलग मांग है, लेकिन पहली मांग तो लोगों की यह है कि जो IITian की यहाँ पहचान थी उसको अब महादेव ID की पहचान भिलाई की बन रही है, इसको समाप्त करना है। दूसरा जो है, यहाँ के बहुत से बच्चे जो मेट्रो जा रहे हैं
तो एक यहाँ पर टेक्नो हब की ज़रूरत है, तो उस टेक्नो हब को बनाने के लिए भिलाई में हम लोग कोशिश करेंगे कि टेक्नो हब हो, जिससे जो बच्चे हैं वो बाहर न जाए। BSP के लोगों की अपनी अलग मांग है, जो लोग लीज के नाम से धोखा दिए छठा फेज आएगा, लीज तो नहीं आया। आज जो है लोग वहाँ लाइसेंस की मांग कर रहे हैं कि लाइसेंस जो है वो पूरा 650 का हो। ऐसी परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मांग है, और जितने काम जो बचे हुए हैं, मतलब काम तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक है कि आप कहीं जाओ तो कचरा नहीं साफ हो रहा है, वहाँ तक की शिकायत है। पाइपलाइन नहीं जोड़ा गया है, वहाँ तक की शिकायत है। हैंडपम्प लगा है ऊपर से, पिछले कई सालों से चल नहीं रहा है। लोहा चोरी इतनी है कि गीला कपड़ा कुर्सी से उतार के रख के और कुर्सी तक चुरा ले जा रहे हैं। कचरा कंटेनर जो हम लोगों ने लगाया था वो तो हुआ ही, पाइप के ऊपर जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प का ऊपर का ढक्कन, ग्रिल्स, जितने गार्डन है उसके गेट, मतलब आप जो है हर दृष्टि से, और सब कांग्रेस और उसके संरक्षण में है, उन नेताओं के संरक्षण में है, शासन में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में है। आप श्रमिक वर्ग चाहते हैं, आप खुद लाइसेंस ब्रांड के कर्मचारी रहे हुए हैं, पहले इंटेक यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था होती थी, बीच में दो बार सीटों के मौका मिला, अभी पहली बार BMS कोई मौका मिला है आपके माध्यम से आपके संस्था से, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए अभी जैसे कि लीज तो एक मुद्दा है ही, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? नहीं, लीज कोई मुद्दा नहीं है। लीज को एक मिस्टर परगनिया पिछले समय से जो कांग्रेस के एजेंट है, पिछले 10-15 साल से लोगों को गुमराह करके बता रहे हैं, और मैं पहले भी बोला लीज नहीं आएगा, और 5 साल ये देवेंद्र यादव भी बोले थे आएगा, कहाँ लीज आया क्या? तो झूठ बोलना और लूट मचाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये झूठ और लूट की दुकान अब नहीं समझे। ये रजिस्ट्री भी पेपर का रजिस्ट्रेशन है, जो आपने एग्रीमेंट किया है, कोई मालिकाना हक नहीं है। अगर रजिस्ट्री की बात करनी है तो हुडको में हमने जो रजिस्ट्री कराया था उस टाइप से कराओ, तब रजिस्ट्री होती है। मेरे को लोन मिला 35 लाख। और दूसरा जो है हुडको की जो बची हुई रजिस्ट्री, उसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, विधायक 5 साल पहले बोले थे कि मैं आऊँगा तो करवाऊँगा, आज वो गायब है, 5 साल हो गया, एक भी रजिस्ट्री हुई तो बता दें। तो ये झूठ बोलना, उधर कुर्सी पार तरफ जाके बोल रहे कि पट्टा लाऊंगा, एक को पट्टा नहीं मिला, तो ना पट्टा है, पट्टा की जगह सट्टा है, हाँ, और जो है कुछ है ही नहीं। तो ये जो परिस्थिति है इसमें 17 तारीख को मतदान होना है, क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मतदान के? क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव ना करें जो भ्रष्टाचार में आरोपी हो। ये भिलाई की प्रतिष्ठा का बात है, जो नशा और महादेव सट्टा जिनके कार्यकाल में फला फूला हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए। भिलाई की पहचान IITN से होती है, महादेव ID से नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है। इसलिए ये जो लड़ाई है कि भिलाई IITN लोगों की पहचान बनेगा या महादेव ID के सरपरस्तों की पहचान बनेगा, इस बात की लड़ाई है। धन्यवाद पांडे जी, शुभकामनाएं आपको। बहरहाल सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने और अपनी बातें रखने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। फिलहाल मतदाता सभी प्रत्याशियों की बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन विधानसभा में किस प्रत्याशी को जनता पहुंचाती है इसका खुलासा मतगणना के बाद ही हो सकेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ संजय दुबे।